अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आई एम योर होस्ट, आई एम योर फ्रेंड जताशा इनाम, और वेलकम करते हैं आपको यू पाक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। सेगमेंट का नाम यू पाक के रंग जताशा के संग। नाज़रीन, इस टाइम हमारे बीच एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो पाकिस्तान और टीवी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, वेरी गॉर्जियस, वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी ब्यूटीफुल, तारुफ की मोहताज नहीं है किसी किस्म के भी, नाम ही उनका काफ़ी है, लैला ज़ुबैरी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक है मैम। पहले तो थैंक यू सो वेरी मच कि आज आप यहाँ पे यू पाक आईं। और नाज़रीन, हमने लैला ज़ुबैरी साहिबा को एक डिटेल विज़िट करवाया यू पाक का, और इसके साथ साथ उनको मिरेकल एंड ग्लो गार्डन का भी हमने विज़िट करवाया। मिरेकल एंड ग्लो गार्डन के बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन इससे पहले ये हमें बताएं और हमारे देखने वालों से एक्सपीरियंस शेयर करें मैम कि कैसा आपका एक्सपीरियंस था यहाँ पर आके, जब आपने प्राइड रॉक देखी, जू देखा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये वही यू पार्क है जो पहले होता था। इतना हर चीज़ इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी है कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है देख के, लग रहा है किसी मैं बाहर के मुल्क में घूम रही हूँ। इतनी प्यारी जगह, क्या म्यूज़ियम है और क्या वो है ज़ू है और क्या ये मिरेकल गार्डन है, एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटीफुल कि आई एम रियली अमेज्ड टू सी। और अच्छा, मुझे बताएं एनिमल्स देख के कैसा लगा? उफ़, टाइगर देख के तो बहुत मज़ा आया, इतने खूबसूरत टाइगर्स थे, इतने हेल्दी। मुझे ये देख के बड़ी खुशी हुई कि एनिमल सारे बड़े हेल्दी थे, उनकी बड़ी अच्छी टेक केयर की जा रही है, तो ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। क्योंकि पहले हम देखते थे ऐसे मरगिल्ले से एनिमल्स पड़े होते थे दूसरे जूज में, मगर यहाँ पे बड़े एक्टिव नज़र आए मुझे एनिमल्स। ये बड़ी मैम, हम अपने से ज़्यादा जो है ना इनको अच्छी अच्छा फूड देते हैं, इसलिए माशाल्लाह ये इतने हेल्दी हैं। अच्छा मैम, मुझे बताएँ कि यू पाक का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसके लिए आज हमने आपको इनवाइट किया और आप यहाँ पर माशाल्लाह आईं, और मिरेकल एंड ग्लो गार्डन, इस हवाले से बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस था देखकर, कैसा आपको फ़ील हुआ, और द मोमेंट आप एंटर हुई हैं तब ज़रा मुझे बताएं क्या फीलिंग्स थी जब इतने प्यारे आपने फूल देखे? जैसा कि इसका नाम है वही इसका असर भी है, मिरेकल गार्डन। अंदर आते ही ऐसा फील होता है कि जैसे कुछ मिरेकल हो गया हो, और मैं तो बिल्कुल समझे कि स्पेल बाउंड हूँ, मुझे तो वर्ड्स ही नहीं समझ में आ रहे कि मैं इसकी तारीफ़ किस तरह से करूँ। इतनी यहाँ पे माशाल्लाह पॉजिटिविटी है, यहाँ आके मुझे वो फीलिंग हो रही है जो आप सब कुछ दुनिया भूल के और बस इन फूलों को, और ये जो चिड़ियों की चहचहाट है और ये ग्लो है, इस सब को जो आप इंजॉय करते हैं तो आप सारी वरीज़ अपनी भूल जाते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, इतना खूबसूरत की खुशी हो रही है कि हमारे अपने पाकिस्तान में भी इतना खूबसूरत मिरेकल गार्डन है। नहीं मैम, बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि यू पाक एक बहुत अच्छी इंटरटेनमेंट लेकर आया है ट्विन सिटीज़ के लोगों के लिए। अब आप लोगों को मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, बाहर जाने की ज़रूरत ही पड़ेगी। अब अगर आपको दुबई जाना है तो उसको छोड़ें और सीधा यू पाक आएँ, यहाँ पर इतना खूबसूरत मिरेकल एंड ग्लो गार्डन है। अच्छा, वैसे तो ये सारा ही बहुत प्यारा है, लेकिन आपको कौन सा एक पार्ट है जो आपको सबसे अच्छा लगा? मुझे तो हर 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 कोना इतना खूबसूरत लग रहा है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा ज़्यादा खूबसूरत है। हर जो मैं देखती हूँ वो मुझे पिछले से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है, तो इसलिए ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा खूबसूरत है। मगर ये जो बारादरी के आसपास का इरादा जहाँ पे हम खड़े हुए हैं अभी, ये मेरे ख्याल से बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ही मेस्मराइजिंग है। और आपको तो हमने दिखाया था ना कि बिफ़ोर एंड आफ्टर, तो वो भी आपको देख के आप बड़ा एक्साइटेड हो रही थी। अच्छा, बिफ़ोर ऐसा था और आफ्टर ऐसा था? बहुत डिफरेंस था बिफ़ोर, मतलब जिन्होंने पहले देखा वो पहचान नहीं सकते कि ये वही जगह है, ये लगता है कि कोई और ही जगह आ गए हम। बिल्कुल, और देख लें नाज़रीन, अब तो लैला ज़ुबैरी साहिबा ने भी कह दिया, अब भी अगर आप नहीं आए ना तो बस फिर लैला ज़ुबैरी साहिबा भी नाराज़ हो जाएंगी और हम भी नाराज़ हो जाएंगे। क्यों? मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि मेरे कहने से एक दफ़ा ज़रूर आएँ, मुझे यकीन है कि फिर आप बार बार आएंगे। बिल्कुल, और मैम आप खुद भी माशाल्लाह इतनी प्यारी हैं, इतनी स्वीट हैं, और आपके इतने फॉलोअर्स, इतने फैंस हैं, आपके कहने पे तो डेफिनेटली आएंगे, सब आएंगे। और थैंक यू सो वेरी मच मैम कि आज आप यहाँ पर आईं, यू पाक आईं और आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर इतनी खूबसूरत एक जगह है। तो आप लोग आए हैं तो मुझे आप लोगों ने बुलाया है तो मुझे पता चला है कि इतनी प्यारी जगह है यहाँ पर, और आई एम रियली इम्प्रेस्ड, और मुझे बहुत खुशी है, और मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया। थैंक यू सो वेरी मच मैम, बहुत अच्छा आप बोली। बस जाते जाते कोई फाइनल मैसेज कुछ कहना चाहेंगी हमारे देखने वालों को? बस मैं देखने वालों से यही कहना चाहूँगी कि आपके अपने मुल्क में इतनी खूबसूरत जगह है, उसको आप ज़रूर विज़िट करें, मगर कुछ चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये कि इतनी मेहनत इसके ऊपर हुई है, इतनी मेहनत हुई है, तो इसको मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। और मेंटेनेंस के लिए क्या ज़रूरी है कि आप लोग कूड़ा ना फेंकें,
फूल ना तोड़ें और यहाँ पर उल्टी सीधी चीज़ें ना फेंकें, ताकि इसकी खूबसूरती बरकरार रहे। तो हम सबको मिलकर इस खूबसूरत पार्क को खूबसूरत ही रखना है। थैंक यू सो वेरी मच मैम। आप मैं अगेन मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप आएंगी हमारे लिए, यू पार्क के लिए बहुत ऑनर की बात है कि आज आपने टाइम निकाला और आप यहाँ पर आई। वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने लैला ज़ुबैरी साहिबा की बातें सुनी और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि आज उनको यू पार्क आके कैसा लगा। जब उन्होंने मिरेकल एंड ग्लो गार्डन देखा तो तब उनकी क्या फीलिंग्स थी, वो सब उन्होंने आपसे शेयर किया। आई होप कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपने हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एज मच एज यू कैन। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।